पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग का किया ऐलान, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 6% डीए की भी घोषणा, जनवरी 2016 से होगा भुगतान। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा सियासी हमला, आम आदमी पार्टी को बताया बेईमान पार्टी, बोले कौन है सुच्चा सिंह छोटेपुर, छोटेपुर ने भी किया पलटवार, बोले समय आने पर जनता करेगी फैसला। सुच्चा सिंह छोटेपुर के 4 महीने में नशा खत्म करने वाले बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली गुमराह कर रही है आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। पंजाब कांग्रेस में अध्यक्षता का विवाद खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता के लिए सियासी कसरत हुई तेज, सीएलपी की दौड़ में शामिल होने पर भट्टल की दलील, आला कमान करेगी फैसला, समय आने पर रखूंगी अपनी मांग। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की घोषणा, 1, 3 और 5 जनवरी को होंगे चुनाव, कांगड़ा को छोड़कर बाकी सभी जगह होंगे चुनाव, 48 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान, आज से आचार संहिता लागू। हरियाणा की खट्टर सरकार की 55 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई, गेस्ट टीचर्स की भर्ती करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को किया चार्जशीट, हुड्डा सरकार के दौरान हुई भर्तियों में लगे थे गड़बड़ी के आरोप, करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी गेस्ट टीचर्स नियुक्ति की जाँच। पंचकुला में फूड एंड ड्रग विभाग ने की छापेमारी, हुक्का में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू के भरे सैंपल, पाया गया निकोटीन तो ड्रग एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली पर आत्मघाती हमलों का खतरा, पीओके से भारत में दाखिल हुए लश्कर के आतंकी, मशहूर हस्तियों और बाजारों को बना सकते हैं निशाना। हंदवाड़ा में शहीद नायक सतीश कुमार को सेना ने दी श्रद्धांजलि, जनरल दलबीर सिंह भी पहुंचे श्रीनगर, आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रीय राइफल्स ने दी एक और कुर्बानी। रद्द हो सकती है भारत पाक सीरीज, सूत्रों के हवाले से खबर, पीसीबी का बीसीसीआई को अल्टीमेटम, सोमवार तक नहीं मिला जवाब तो कैंसिल होंगे मुकाबले।